الحمد لله الحمد لله الذي صدر وأشقى وأمات وأحيا وأنقى وأبقى وأكبر وأغنى الصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الضحى وعلى آله وأصحابه المخصوص بالعلم والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست آپ کو شوقنا پیارے محبوب دیدار کافی تھے سنہری جاری کا تصبر کر دیا ہوا درود پاک کا نذرانہ پیش کرو گا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا محمد رسول الله ਅਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦਿਲ ਤਾਂਗ ਜਿਨਾ ਦੀ ਤੇ ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦਿਆਰੀ ਬਿਨ ਹਜਰੋਂ ਜਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਬਿਨ ਨਾ ਮਸਤ ਖੁਮਾਰੀ ਬਿਨ ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਜਿਦਾ ਕਦੀ ਦੋ ਜਗੀ ਬਿਨ ਨੈਨਾ ਮਸ ਕੁਮਾਰੀ ਆ ਗੁਣਿਓ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮਦਿਓ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇਵਣ ਕਰਨ ਦਾਤਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਵਾਲੀ ਦੇਵਣ ਕਾਰਨ ਦਾਤਾ ਬਣਿਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਵਾਲੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਬੂਬ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਬੂਬ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਵਗਦਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਏ
नाले मेरे शुक्र करना है ते नाले मेरा खाना है। पर जब मंगन दावे जाना है जब मंगन दाना है अल्लाह की कायनात की लाकादार हम सलाम और उसे गारे हबीब सैयद आलम रहमत आलम जान आलम अहमद मुर्तजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परकार के वासी मेरे मक्का मसर परस्तों कल के इंशाअल्लाह और अजीज माह रमजान शुरू है। अल्लाह की कायनात सारे समय बारकियां रहमतां बरकतां हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला मेरे आका के गुलाम ने फरमाते ने कि 29 शाबान को सोना वाहो अपने गुलाम को जो तबलीग फरमाते सन के लोगो ए मेरे गुलाम और रहमत वाला महीना आ गया है जेदे विच एक फर्ज जड़ा है 70 फर्ज के बराबर है और नफल जड़ा है सब फर्ज का सवाल रखता है जिसके अंदर एक ऐसी घड़ी है कि ऐसी रात है जड़ी हजार महीना नालो अफजल है। माह रमजान की कोई ऐसी रात नहीं जिसके अंदर खाली कायनात गुनाहगारों की बख्शिश का फरमान ना हो। इस वास्ते इस रहमत भरे महीने के अंदर खुशू हुजूर के नाल अपने रब्बे कायनात की इबादत करनी है। रब्बे कायनात सदका सोने महबूब का इस माह मुबारक दी बरकतां और रहमतां हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के फजल करम के नाल माह मुबारक इस वक्त आंदा है इंसान दियाँ तब्दील तबीयत बदल जाती है। वह लोग जड़े पांच वक्ती नहीं पढ़ते अल्लाह के फजल करम नालों भी आगे खराबियां नहीं करते। अल्लाह रब्बे कायनात का एहसान है इस महीने में बहुत बड़ा फैज है खालिक कायनात की रहमत का। आया की बारका जी तिलावत की है मेरे करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस लफ्ज़ पर गौर करके देखो मेरे करीम का एहसान उस करीम ने उस खिताब के नाल उन्हें लफ्ज़ों के नाल अपने महबूब के गुलामों को बराह रास्त मुखातिब करके फरमाया ईमान वाले हो मानने वाले हो ऐ मेरे महबूब के हत्थों में हाथ दे के मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले हो मैं तुम्हें मुखातिब हूँ। पता चलिया मेरे करीम के करीब अगर कदर मतलब है तो ईमान भी है। मेरे करीम ने यह नहीं फरमाया कोठियाँ वाले हो यह नहीं फरमाया मंदिर वाले हो यह नहीं फरमाया मुरबिया वाले हो यह नहीं फरमाया दौलत वाले हो यह नहीं फरमाया इलम वाले हो यह नहीं फरमाया हुसन वाले हो मेरे करीम ने फरमाया ईमान वाले हो। मेरे को पूछो तो मेरे करीम कदर है तो ईमान भी है। बाकी दुनिया का माल दुनिया से रह जाएगा जिस वक्त इंसान दुनिया को जाता है कोई ये नहीं आखता दुआ इस साग के वास्ते दुआ इस कर्नल के वास्ते दुआ इस जनरल के वास्ते दुआ इस जज के वास्ते दुआ इस वकील के वास्ते नहीं सारे आखते हैं दुआ इस मैयत के वास्ते सारिया मैयत कोई भी होगा कटे आने वाला हो सारे आते सारे रिश्ते सारे रिश्ते खत्म हो जाए उस वक्त दुआ ही की जाती है यार ना दुआ इस मैयत के वास्ते सारे मैयत हो जाएंगे। अल्लाह खालिक कायनात ने ईमान वाले वास्ते फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वाले हो बल्कि मैं कहूंगा साडा पंजाबी दा तर्जमा ए मनण वाले हो ए मेरे मनण वाले हो मेरे महबूब के मनण वाले हो तुसीं ओ मनण वाले ते तुहानू मनण वाला मन के मनण वाला समझ के मैं फरमा रहा हां ए मेरे मनण वाले हो मनण तो बाद फिर गिलो हुज्जत करना मनण दी तौहीन है याद मनण ना जे मन लिया तो फिर हम सोचना नहीं ये रोजा क्यों फर्ज होया किस वक्त होया ये होया वो होया नहीं यहो जी चे बोईया करनिया सी ते मन तो पहले करनिया तो गाने बढ़िया मसाला देखिया ने फरमाया परवाने ने शवन मने है परवाने ने शवन मने है सारे जहान दी अकला परवाने को समझाई रखन ऐ परवाने आग दे नेड़े ना जाए शमा दे नेड़े ना ये सड़ जाएगा मर जाएगा तेरा कख नहीं रहना खुदा की कसम सारिया आगरा थक जाएगा परवाना आखिरा मैं मन बैठा मन बैठा हूँ कुरबानी देना ना देना अग दे नेड़े ना जाना है मेरे वास्ता लोग नहीं मैं मन जो बैठा हूँ। चकोर ने चंद नू मन लिया सारा जहान समझाए जाए चकोर तेरी मंदिर कमजोर
तेरी परिवार कमजोर, चंद बहुत दूर है, लिहाजा तू थक जाएगी, मर जाएगी, चकोर आखरी है, मैं चादर मन बैठा हूं। अर्ज करना मकसद है कि अल्लाह यादें मनना ना, अगर तू मन लिया तो मेरे करीम ने तेन अपना फरमाया है। इस आया भी आख्या, चुनिया चमियारा भी आख्या, सिखिया अंकुआ भी आख्या, बल्कि फरमाया ईमान वालिया, ऐ मेरे मन वालिया, ऐ मेरी फरमा बदारी करने वाले, मेरे बाबू जत्था बचा से देख के कलमा पढ़ने वाले, मैं तेन मुखालत बनाया, कुतिबा अलैकुम सियाम, तेरे उत्ते मैं रोजे फर्ज कर छड़े, कुतिबा अलैकुम सियाम, तुहाडे ते रोजे फर्ज कर दिते ने, यानी मेरे खालिक कायनात ने ओहदे वादा, ओहदे वादा फर्ज दे माने विच भी आ और लिखण के मन में भी है। मकसद यह भी हो सकता है कि ऐ मेरे महबूब के गुलामों, रोजे तुहाडे नाम लिखे गए ने, दुनिया नीशी बनी, लोग महबूब लिखा गया सी कि आखिर मैं पैगंबर जड़ा है, उसकी उम्मत के रोजे फर्ज होण गए। तौरात में, इंजील में, ज़बूर में अल्लाह रब्बे कायनात ने लिख छड़िया सी आखिर मैं पैगंबर की उम्मत के रोजे फर्ज होण गए। ये नाम जद प्रोग्राम है, लिहाजा तुसी अपने नाम वटा ना लाया जे ते रोजे रखिया जे, क्योंकि तुहानू बड़ी देर दा तुसी मशहूर हो चुकी हो सारिया कामां दे अंदर, कुफियां उम्मतां दे अंदर, कि आखू तमा पैगंबर जिहड़ा उहदी उम्मत रोजे रखेगी। अल्लाह अकबर। रोजा दो हिजरी नूं फर्ज होया, पहले एक रोजा फर्ज होया, फिर मनसूख हो के तीन रोजे, 13, 14, 15 अयामे 20 जिन आखा जाता है, उन्हें रोजे फर्ज हुए, फिर वह मनसूख होकर माए रमदान के रोजे फर्ज हुए। और फिर भी तब्दीलियाँ आई हैं, ये तब्दीलियाँ जड़िया ने जिमें जिमें खालिक कायनात की करनवाजी के नाल मुहब्बत बढ़ती गई, उस तरह तब्दीलियाँ आदि गई। तब्दीलियाँ का मकसद यह नहीं कि रब्बे कायनात भुल गए हुक्म दिंदा है, नहीं, अल्लाह रब्बे कायनात देखता है मेरा बंदा मेरे हुक्म के सामने सिर झुकाता है कि नहीं झुकाता। असी रब के मनने वाले हैं, रब के हुक्म के मनने वाले हैं, असी अपने मन प्रस्ती नहीं करने वाले, असी दुनियादार नहीं मनने वाले, असी अपने करीम को मनने वाले हैं। जिथे उन्हें झुकाया उत्थे झुक गए, जिथे उन्हें लिटाया उत्थे लेट गए, जिथे उन्हें हुक्म दिता उत्थे असी खड़े हो गए। इस वास्ते मेरे करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, मान वाले तुहाडे ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने, तुहाडे नाम नामजद कर दिते गए ने। अल्लाह अकबर। रोजा मेरे प्यारे रब्बे कायनात दे फज़ल करम दे नाल सोहणे महबूब करीम ने फरमाया, जे तुहानू पता लग जावे कि माहे रमदान विच की कुछ तुहानू मिलना है, कितनी फजीलत है, किन्नियां बरकतां ने, तुसीं दुआवां करो, या अल्लाह रमदान हमेशा ही रहे, माहे रमदान हमेशा ही रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इह सोहणे दी करन वाली है ना, इह सोहणे दी करन वाली है, क्योंकि सौदा उधार है, नगद सौदा होवे ना, मिलण वाले दे वास्ते नगदी है, मरने वाले के वास्ते सौदा लग दी है। खुदा दी कसम, जिस वक्त असर तो बाद टाइम होता है, जिगर सड़ता है ना, लब खुश्क हो जाते हैं, प्यास लगी होती है, उस वक्त पानी भी खाना भी सब कुछ सामने है, मगर इंसान मुंह पानी नहीं लगाता, इस वास्ते कि मैं जिस रात वास्ते रोदा रखिया वेख रही है, उस करीम के वास्ते मैं रोदा रखिया है, और उस वक्त जी मुहब्बत आती है मौला और कबूल कर ले, बड़ा औखा वा, बड़ा दुख चलिया है सारा दिन। अल्लाह अकबर। बहर हाल रोजा जड़ा है कि सौदा नकद भी है उधार भी है, मगर खालिक कायनात ने फरमाया तुहाडे ते रोजे मैं फर्ज कर छड़े ने, इस वास्ते कि आलमे अरवाह दे विच जदों रूह ते जिस्म इकट्ठे नहीं सन होए, उस वक्त दे गुनाहगार नहीं सी, उस वक्त इहदे विच कोई खराबी नहीं सी, जिस वक्त रूह ते जिस्म इकट्ठे होए ते उस वक्त गुनाह गारी इंसान विच पैदा हुई। मेरे करीम ने आलमे अरवाह दा हालात याद कराए ने, और याद कर तू गा ना हा, तू पाक सी, मैं तेनू पाक पैदा कीता है, तेरे जिस्म दा रूह दा तलक होया ते गुनाह पैदा हो गए ने, तू गुनाहगार हो गया है, लिहाजा उस आलमे अरवाह दे वास्ते आलमे अरवाह नू याद कर, असल विच तू पाक आया है, तेरी असल पाक है, तेरी असल पाक है, अल्लाह ने कायनात ने वो वक्त याद करवाया। और रोजे में बहुत सारिया हिम्मतों ने, मेरे ख्याल की कायनात ने रोजे फर्ज फरमाए ताकि तेन अल्लाह दी नेमतों की कदर हो, प्यासा रहेगा पानी की कदर होगी, खाना ना खाने का भुख लगेगी खाने की कदर होगी, जिमें रब दी नेमत हासिल करेगा, रब के कायनात के फजल करम के नाल तेन रब दी नेमत की कदर होगी।
अल्लाह की नेमत की कदर करने वास्ते मेरे करीम ने रोजे फर्ज फरमा दिए हैं, या फिर इस वास्ते भी रोजे फर्ज फरमाए ने, भूखा रहेगा तेन तेरे फकीर भाई की भुख का पता लगेगा, तेन गरीब की गरीबी का पता लगेगा, तेन दुख का पता लगेगा, अपना दुख झलेगा तो तेन दूसरे के दुख का पता लगेगा। रोजा फर्ज फरमाने में ये भी हिम्मत है, अल्लाह उपर अल्लाह उपर जो खालिकी कायनात ने फरमाया मैं तुम्हारे ते रोजे इस वास्ते फर्ज फरमाए, असल नुकता की है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी परहेज़गार बन जाओ, तुसी नेक बन जाओ, नेक बनाने वास्ते तुहाडे ते रोजे फर्ज फरमाए ने, पता चलिया रोजे नाल इंसान नेक बनता है। मगर याद रख रोजा किहड़ा है जिहदे नाल इंसान नेक बनता है, सुबह खाधी तो शाम तक भुखा रहा ये नेक बन जाता है, या इंसान सेवत ना करे ये नेक बन जाता है। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाए एक ज़ाहरी रोजा है, लोग फरमाते हैं एक आम रोजा है, एक खास रोजा है, और एक अक्सर खास रोजा है। ये तो साडा आम लोगों का रोजा है ना, सुबह सहरी खाली तेरह चौदह घंटे भुखे रहे पानी पुनी ना पीता, ये साडा रोजा है आम लोगों का। मगर खास लोगों का रोजा यह है कि सहरी खाली उस तो बाद गुनाह नहीं बढ़ गया, गुनाह के करीब नहीं गए, अखा गुनाह तो बचाया, जुबान गुनाह तो बचाया, हत्था गुनाह तो बचाया, हर वक्त बुराई तो बचने रहे, यह नाम रोजा है। और अक्सर खास जड़े ने आखते हैं साडा रोजा है कि साढ़े दिल में भी बुराई का ख्याल ना आए, जुबान तो दरकनार, हाथ तो दरकनार, दिमाग तो दरकनार, साढ़े दिल में भी बुराई का ख्याल ना आए, रोजे की यह हिम्मत है। मेरे करीम ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुसी परहेजगार बन जाओ, रोजा रखने के नाल तुसी परहेजगार बन जाओगे, रोजे की रूह में समझोगे तुसी परहेजगार बन जाओगे, रोजे की हकीकत में समझोगे तुसी परहेजगार बन जाओगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों परहेजगार बनने वास्ते एक खास नुस्खे की जरूरत है, मैं लेके याद हो जाऊँ, मेरा खालिक कायनात समझ भी तौफीक अता फरमाए। इंसान को गुमराह करने वास्ते दो ताकत साढ़े को, सानू बुराई तरफ मायल करने वास्ते एक साढ़े सीने में रब ने कुवत शैतानी रखी है, इसमें असी नफ्स अमारा आखने हैं, ये साडा सब तो वड्डा साडा दुश्मन है, और इस तो छोटा दुश्मन जो शैतान है, शैतान अबलीस जड़ा है वो छोटा दुश्मन है, नफ्स अमारा वड्डा दुश्मन है। शैतान लई दे वास्ते मेरे महबूब करीम ने फरमाया माह रमदान चढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते शैताना जिन्ना जकड़ देंगे ने जंजीर नाल बन देंगे ने, शैतान का असर नहीं होता। यही वजह है कि अलहमदुल्ला रमजान शरीफ चढ़ता है ना तो फिर निबादा तलाकत और जिक्र अस्कार बढ़ जाते हैं, क्योंकि शैतान जकड़िया होता है, एक तो शैतान जकड़िया होता है तो दूसरा शैतान जो बड़ा शैतान है वो साढ़े नाल ही होता है। उसकी वजह तो असी बुराई भी करते हैं, बुराई तरफ नज़र भी उठती है, असल में असी उस तो बाखबर होवे तो साडा रोजा पाए तकबीर तक पहुंचेगा। शैतान मेरे रब ने जकड़ दिता, यह जो नफसिया मारा है इसके उत्ते कंट्रोल करने वास्ते सानू की करना चाहिए, इसके उत्ते कंट्रोल करने वास्ते फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, अलामा इकबाल, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दे उस्ताद दर उस्ताद उन्होंने कोल पुछिया कि हुजूर नफ्स अमारा के उत्ते कंट्रोल करने वास्ते किहड़ा नुस्खा कामयाब है। नफ्स अमारा मरदा नहीं, नफ्स अमारा नूं मारना किसी किसी का काम है, नफ्स अमारा नूं कमजोर किया जाता है। नफ्स अमारा इतनी ताकत है कि जिसनों ना बंब मार सकता है, ना सोटा मार सकता है, ना इट मार सकता है, ना वो साढ़े तो किसी वक्त जुदा होता है, साड़ी बगल का दुश्मन है, जिदे नाल इस तरह कह लो कि यह शैतान का रस्सागीर है, शैतान का रस्सागीर है। और मुकुला बनया ना पंजाबी का, किसी से चोरी हो जाए ना तो फिर सियाने बंदे बह जाते हैं इकट्ठे होकर आखिर जवेड़ लाओ, जवेड़ लाओ चोरी किमें हुई है, तो सियाने बंदे आखिर ये घर का कोई चोर है, कोई घर का चोर है तो चोरी कराई है, कोई घर का वाकफ है ना उन्हें चोरी कराई है, इस तरह ही साढ़े घर का दुश्मन है। शायद नफ्स हमारा ये मरदा नहीं, भाई यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बड़े कामिल,
आप रब्बे कायनात ने ताकत अदा फरमाई सी कि आप नफसी हमारा नाल गल कर लेते सन, अपने सामने पेश कर लेते, मतलब शक्ल सामने आ जाता सी। इस वक्त तुसी बाजार विच चलदे हो ना ते लोग उंगला कर कर आंदे ने बायज़ीद बुस्तामी जा रहे ने, ये अल्लाह दा वली जा रहे, तुहाडी तारीफ हुंदी है ते मैं मोटा हो जाना, तुहाडी तारीफ हुंदी है ते मैं मोटा हो जाना। यानी नफसे हमारा मरदा नहीं, ना इंसान दे वास्ते रोगा कि इसको मार लवे। अब अलबत्ता नफसे हमारा नु मुतमईन ना करना, अपने तहत अपने मतहत कर लेना, यही इंसान दी मामला है। तो फरीदो दिन अतार अहमदुल्लाह अलैह फरमाते ने इहदे वास्ते तेरे हथियार चाहिए, जे तेरे कोल तेरे हथियार तैयार हो जाण ते फिर तू इहनु मार सकना है, कंट्रोल कर सकना है, वरना तेरे तेरे उत्ते गालिब ही रहेगा। इक तां इह कि अपनी जबान ते कंट्रोल कर, जबान दा खंजर तेरे कोल होवे, एक भुख दी तलवार तेरे कोल होवे और एक तनहाई दा नेज़ा तेरे कोल होवे, ये तेरे हथियार तेरे कोल होण ते फिर तू नफसे हमारा नु ज़ेर कर सकना। जुबान मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सैयद आलम रहमतुल्लाह अलैह शफीउद्दीन रबी ने फरमाया, दो जबाड़ियां के दरमियान में जिहड़ा है चमड़े का लोथड़ा है और दो लत्तां के दरमियान में जिहड़ी शर्मगाह है, अगर तू मैनू इहदी जमानत दे देवे मैं मुहम्मद होके तेनू जन्नत की जमानत दे दूंगा। अपनी जुबान की जमानत दे दे कि मैं उन्हें बेकार नहीं चलावांगा, अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे मैं तेन मुहम्मद होके रसूल होके जन्नत की जमानत देना वा, कदों सीधा जन्नत में जाऊंगा। जुबान एक ऐसी खतरनाक चीज है, तलवार के जख्म खत्म हो जाते हैं मगर इस ये जख्म खत्म नहीं होते, ये इतनी खतरनाक है सब तो ज्यादा। हाथ भी गुनाह कर सकते हैं, अखा भी गुनाह कर सकती है, कान भी गुनाह कर सकते हैं, पैर भी गुनाह कर सकते हैं, मगर सब तो ज्यादा गुनाह जुबान करती है। इस वास्ते इसके ऊपर कंट्रोल करना ये बड़ी कामयाबी। जुकान की फरमाते हैं कि ये जुबान अल्लाह करीम ने पत्तियां सिपाहियों के रखे, दंदा ने पत्ती सिपाही के रखे, अखा दो ने, नक के ऐसे दो ने, कन्ना के दो ने, मगर जुबान एक रखी। अगर जुबान के उत्ते पहरे लगा छे ने, रूमी अब्दुल्लाह अलैह फरमाते ने जुबान भी है, जबून भी है, जयान भी है, जो तेरे सुल्तान है। जुबान तो ता है सही गल करे था, जबून ता गलत बोलेगी, झूठ बोलेगी, जयान सरासर नुकसान, यानी बिला वजह बोलनी जाना। तेरी जुबान में एक हर्फ निकलिया होया जड़ा है अल्लाह रब्बे कायनात फरिश्ते लिखते हैं, जायज कटे तामी नाजायज कटे तामी, जो कुछ जुबान जो आखेगा अल्लाह के फरिश्ते लिखे जाते हैं। इस वास्ते मेरे महबूब करीम ने फरमाया जैसा जड़ा खामोश रहा वो सलामती में रहा, अपनी जुबान से जिसने कंट्रोल कर लिया वो हमेशा सलामती में रहेगा। इस वास्ते बुजुर्गान की फरमाते हैं बोलन तो पहला तोल लिया कर, सोच लिया कर मेरे मुंह चो की निकल लगा है, इसे जुबान के नाल सारे रिश्ते कायम हों, इसे जुबान के नाल वादे कायम हों, इसे जुबान के नाल जीने दुनिया की मामलात करना। मेरे महबूब करीम ने फरमाना निशान फरमाया जुबान के ऊपर कंट्रोल कर ले कामयाब। और दूसरा हथियार की है दिल का भुखा रहना, भुखर के नाल इंसान जोड़ा है वो उसको रूहानी ताकत नसीब होती है। यानी अल्लाह अहमदुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भुखा रहना, भुखे रहने की जी तलवार है ना वो ये नफ्स हमारे उत्ते असर करती है। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवानों, मेरे महबूब करीम ने फरमाया जवानों जितनी जल्दी हो सके शादी करो, बुराई तो बचने वास्ते, क्योंकि निकाह करना जोड़ा है निस्फ ईमान है, ईमान सलामत करने वास्ते रखने वास्ते ये साढ़े निकाह है, मेरे महबूब की सुन्नत पाक है। मेरे महबूब करीम ने फरमाया जवानों जितनी जल्दी हो सके शादी करो, ऐसा ना हो साढ़े को जुल्म हो जाए, जना हो जाए और जना तो तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमावे, अल्लाह ताला माफ़ फरमावे। इस वक्त ये गल बहुत बहुत चल जाती है, दुख के नाल कहना पैदा है, अल्लाह तबारक तआला इस बुराई तो महफूज फरमाए। एक जगह जिते ऐसे ऐसी बुराई हो 70 दिन वास्ते उत्थे रुक जाती है, 70 दिन वास्ते। एक आदमी झूठ बोलता है
और उनकी जुबान निकल जाता है, महाफरत फरिश्ते उसके 40 कदम दूर हो जाते हैं। एक बार झूठ बोलिया महाफल रिश्ते तेन छड़ के चले जा, फिर झूठ बोले, फिर झूठ बोले, खुदा की रामत तेन कुछ बोलेगी। महबूब करीम ने फरमाया या तो शादी करो वरना रोजा रखो, अपने पेट में भुखा रखो ताकि तुम्हारे गुस्से की बुराई जी है खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक तआला तौफीक अता फरमाए। और तीसरा अख्तियार की है वो तन्हाई, यानी जुर्गानी फरमाते ने कि याद तू सब तो आला जगह जी मस्जिद है, मस्जिद बैठ। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर किसी वली अल्लाह की महफिल बैठ। यह जमाना सोहबत ए औलिया बेहतर अगर किसी अवाली के कोल बैठा तो नसीब हो जाए तो फिर तू ओ कोल बैठ ताकि तू तन्हाई की लज़्ज़त हासिल कर सके, तेरा दिल जिंदा हो सके। अगर ये भी नहीं हो सकता फिर कल्या बैठ के खुदा का जिक्र कर। मेरे सोने महबूब सैयद आलम रहमतुल्लाह अलैहिं शबीर ने फरमाया कि जिसम दिल के उत्ते शैतान कब्जा कर लेता है, शैतान कब्जा कर लेता है, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर शैतान जोड़ा दिल में छोड़ के चला जाता है। शैतान दिल के उत्ते क्यों कब्जा करता है? बड़ा लईन, बड़ा जलील है, इस वास्ते दिल के उत्ते कब्जा करता कि दिल के नाल ही सारी गल बनती है। दिल सही है, मेरे महबूब करीम ने फरमाया तेरे खब्बे पहलू के अंदर एक लोचड़ा है, अगर वो सही हो गया तेरा सारा जिस्म सही हो गया, अगर वो खराब हो गया तो सारा जिस्म ही खराब हो गया। दिल ऐसी चीज है बुराई की तरफ ता मायल होगा जब तेरे दिल की बुराई होगी, अगर तेरे दिल की अच्छाई होगी तो अच्छाई की तरफ जाऊंगा। दिल के नाल ही सारे कारोबार ने, दिल आखद हाथ हरकत करता है, दिल आखद हाथ हरकत करती है, दिल आखद जुबान चलती है, दिल आखद बुराई इंसान करता है। अगर दिल के उत्ते कंट्रोल कर लेगा तो फिर रब के फजलो करम के नाल अच्छाई होगी, दिल में अच्छाई होगी तो फिर तू कामयाब है, फिर तू अच्छे काम हो। हर हाल अल्लाह ने कायनात करो फरमाए नफ्स हमारा जो है ये ऐसा ऐसी कुवत है जिन्हें शैतान तबाह करता है। शैतान सारे तबाह करता है, शैतान सब बुराई बुराई की तरफ ले जाता है, मगर नफसिया मारा ने शैतान का भी बेड़ा कर दिया। इन्हें आख्या तो मैं आला मां आदम अलैहिस्सलाम मेरे नाल अदना नहीं, यानी मैं अना ने इसको तबाह बर्बाद किया, यानी नफ्स अमारा ऐसा है कि ये शैतान के नालों की खतरनाक है और इसके उत्ते कंट्रोल करना बहुत बड़ी बहादुरी है। और ये वास्ते इधर के कंट्रोल करने वास्ते रोजा एक आला नुस्खा है कि रब्बी कायनात के फजल के मंदिर है मुख्य आराम के नाल इसको ताकत नहीं मिलती, दिल में रूह में ताकत मिलती है, रूह और दिल दोनों मुखालफ ताकत ने, रूह में ताकत देनी है तो अल्लाह का जिक्र के नाल अल्लाह की इबादत नाल होगी, अगर नफ्स हमारे में ताकत देनी है तो बुराई के नाल होगी। मेरा रब्बी कायनात ने सानू रोजे इस बात के अदा फरमाए ने कि असी माहे रमदान के रोजे रख के रूहानी नूर हासिल कर लीए, रूहानियत हासिल कर लीए। देखो मेरे दोस्तों माहे रमदान के अंदर एक आम छोटा जहा बच्चा भी है उन्होंने रोजा रखा हो शाम तड़पता हो माँ तरस हो जाए तो माँ आगे पुत्र पानी पी लें अंदर हो के पानी पी लें पुत्र आता है मैं नहीं पानी पीना मैं रोजा रखा हुआ मेरा नाम वेखता है। छोटे जहा बच्चे ने भी पता है कि मैं रोजा रखा मेरा रब वेख दे, मेरे रब का यह यकीन हासिल करने वास्ते मेरे करीम ने तेन रोजा अदा फरमाया और ये नूर तेन हमेशा नसीब हो जाए, नूर तेन अगर हमेशा नसीब हो जाए। देखो असी रमदान शरीफ पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, शेवर के करीब नहीं जाते, मगर झूठ बोल लेने। हालांकि खाना तेरे वास्ते हमेशा जायज सी, रोजे में ही मना होया, पीने वास्ते हमेशा जायज सी, जेड़े जायज काम ने उन्होंने छड़ देना रब की रजा दे वास्ते, जेड़े नाजायज सन अगे पिछे नाजायज सन दूसरे दिनों में भी नाजायज सन उन्होंने क्यों नहीं छड़ता, उन्होंने छड़ेगा तो तेरा रोजा मुकम्मल होगा, उन्होंने छड़ेगा बुराइयों को छोड़ेगा तो फिर रोजे का रूल नसीब होगा। तो अल्लाह का मकसद है कि अल्लाह रब्बी कायनात की महदानियत का यकीन और कुदरत का यकीन जिस वक्त तेरे नसीब हो जाएगा। गारंटी फरमाते हैं कि इसे बात अल्लाह के बली मुराकबा करते हैं, मुराकबा करते हैं, मुराकबे का मकसद की होता है रब के नाल कान ला के तवज्जो दे नाल बैठे रहना, अल्लाह ताला के जिक्र दे विच बैठे रहना।
زلیخان اور یوسف انہوں نے واقعہ بڑا ایمان افروز ہے چھتویں کوٹھی دے وچ یوسف علیہ السلام لے گئے اور اپنے بوتھ دے اُتے موٹا کپڑا پا کے آ دیے یوسف آ حسن بھی ہے جذبہ بھی ہے سب کچھ ہے مگر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب دی پناہ اعوذ اللہ میں اپنے رب دی پناہ وچ میں اپنے رب فرمانے نے ظالم ہے اے تو بت نو لکویا ہے کہ تینو ویکھے نا میرا رب وہ ہے جڑا سچی کوڑی وچ پتھر دے وچ بھی ویکھدا ہے میں اپنے رب دی کولوں کیوں نہ کروں اللہ اکبر سارے اقداریا قدرت دے اقداریا رحمت نصیب ہو گیا ہاتھ لگا دے نے ہاتھ نال تو پہلا جندے کول دے جاندے اللہ اللہ ایک دور یوسف سی ایک میرے محمود دا غلام یوسف ایں دے وچ گل آ گئی میری آقا دے غلام ہے کوئی یوسف سی بچہ ہے گھر پن رکھارا لگا ہوا ہے سوچنا ہے سب کچھ ہے اللہ رب پیدا دی قدرت امتحان دا وقت آ گیا گھر وچ گیا کھانا کھانے واسطے عورت دے دل وچ برائی آ گئی اس نے برائی دی طرف کھچیا اکھ لگ گئی ترا اکھ لگا میں پیشاب آیا گل کھانے جانا شار کرنے والے غسل خانے وچ گیا تے گندگی اٹھا کے چہرے تے مار جس وقت گندگی مل کے باہر نکلیا تو اکھ لگی پاگل ہو گیا کاریاں نے نفرت کر کے پیچھے ہو گیا باہر نکلیا جا کے منہ ہاتھ دھو لیا میرے رب دی کرن والی رات سونے محبوب دی زیارت نصیب ہوئی فرمایا میرے مولا او تیرا یوسف سی اے میرا یوسف او تیرا یوسف سی اے میرا یوسف اے اے اللہ دے کرم فرما ستاں اودی جسم دے چوں جتھوں جاندا سی خوشبو آ گیا یعنی اللہ رب کائنات دی ذات دا یقین حاصل کرنے واسطے اے رولا سن میرے کریم نے آرا نسخہ عطا تے جے تو تنہائی وچ رب نو حاضر ناظر سمجھنا اے نفر وچ بھی حاضر ناظر سمجھ او جدوں رشوت آونے اس وقت بھی اے کہ میرا رب مینوں ویکھ گیا اے برائی کرن لگیا بھی ویکھ میرا رب مینوں ویکھ گیا اے جھوٹ بولن لگیا بھی ویکھ میرا رب مینوں ویکھ گیا اے اس واسطے یہی یقین کامل کرنے واسطے تے میرے رب نے رودا عطا فرمایا اے اللہ دی کائنات کر فرمائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہم پاک وچ طواف کرنے واسطے گئے پہلے منصور طواف کرتا پھرتا ہے تو لوگاں دے نال تکے بھائی جن موٹے بھائی دے پھردے ہیں بادشاہ وقت ہے مگر کسی نے رستہ ہی نہیں دیتا مگر امام صاحب جس کو کھڑ گئے لوگاں نے رستے دے دیتے امام صاحب آ گئے رستہ دیتا ہے دیتے خیال آیا ہے میرے نام بہت لے کے میرے نام بہت بڑا ہے میرے نام بڑا ہے بلایا فرمایا امام صاحب آج میری دعوت قبول کر لو آپ نے فرمایا میں تیرے تو پہلے بڑے بادشاہ کی دعوت قبول کر رہی ہے تیرے تو پہلے میں بڑے بادشاہ کی دعوت قبول کر رہی ہے بادشاہ آکھن لگا تھانوں نفری ہو جائے صبح رکھ لیا جی آپ نے فرمایا میری زندگی کا ضمانت دینا کہ صبح تک میں زندہ رہاں گا میری زندگی کی ضمانت دینا آکھن لگا میں ضمانت نہیں دے سکتا فرمایا ضمانت نہیں دے سکتا تو میں روزہ بھی نہیں چھڑ سکتا آکھن لگا کیا تم اس گرمی وچ تسی روزہ رکھتے ہو کیا تم ڈر نہیں لگتا آپ نے فرمایا گرمی تو بچن واسطے میں روزہ رکھیا ہے گرمی تو بچن واسطے میں روزہ رکھیا ہے کہ میں آج گرمی چل رہا ہوں میدان محشر دی گرمی نہ ملتے میدان محشر دی گرمی تو بچن واسطے میں روزہ رکھیا ہے کیونکہ میری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ تو دل تو ڈال ہے روزہ تیرے واسطے کی ڈال ہے تے کائنات دے دو کرو فرمانا رہا پھر یہ نعمت نصیب ہوئی ہے احمد علی صابر رحمت اللہ علیہ فرید الدین مسعود گنج آپ دی بہن آپ دی والدہ صاحب بابا جی کو لے کے گئی آکھنا جی بابا جی نو کول رکھو بھائی نو کول رکھو ایتھے پڑھے گئے تھے تہاڈے کول کھاوے پیوے گا تہاڈے کول رہے گا قصہ مقصد آپ نے فرمایا اچھا لی علی احمد لوگوں نے لگن تقسیم کریا کئی دن گزر گئے بعد میں 12 سال آ کے 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے تیلے وڑ گئے سوچ سوچ کے ہو گئے ماں آئی آنکھ ویکھیا تے تڑپ گئی آنکھ لگی جا کے بھائی میں تیرے کو چھڑ کے تے تاں گئی سا کہ ایتھے لنگر چل رہا ہے طرح طرح دی نعمتاں دے میرا پتر کھانے پیوے گا تے تسی اس نوں دتا ہی کچھ نہیں فرمایا میں تو اجو دا لنگر دے سپرد کیتا آیا ہے فرمایا آنا گلی تو کھانا نہیں چھوڑا حضور کو صاحب فرمایا سی لنگر تقسیم کری جا میں نے کھانا تو سی حکم نہیں سی دیتا
मैनू खाण का हुक्म नहीं सी दिता। इहने मुरीद जन्म मुरीद आखिया जाता है, इहने मुरीद जिहड़े मुराद हासिल करदे ने ऐसे मुरीद होण। उत्थे साबर नाम मशहूर हो गया, अलियाम साहब किराम नाम है। और साडे है अलहमदुल्ला इस्लाम के अंदर भी ऐसे ऐसे शहजादे और ऐसे ऐसे नेक और ऐसे ऐसे मुजाहदा करने वाले अल्लाह रब्बुल कायनात के वली अल्लाह खुदे हो जिन्होंने सानू सबर करके दिखाया। और याद रख रोजे का ना ही सबर है, इस महीने माहे महीने आखे माहे सबर जाता है। और सबर किवें होता है अल्लाह रब्बुल कायनात फरमाए सबर जिहड़ा है साबर की जजा, बाकी इबादत की जजा जन्नत है, मगर सबर की जजा खुदा की जात है। इन्नमा युवफ्फा अस्साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, मेरा करीम फरमाता है मैं सबर करने वाले नु बगैर हिसाब या अता फरमाना। हर हाल अल्लाह रब्बुल कायनात सानू महर मुबारक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़िया बड़िया मिसालां देके ना बड़िया बड़िया कहानियां सुनाते रहे। आपने फरमाया एक दफा एक यहूदी सी ते एक ईसाई सी ते एक मुसलमान सी, ते किन्ने दूर पे ते मगरब हो गई ते मस्जिद विच चले गए। गवांडियां ने समझिया कि तिन्ने आदमी मुसलमान ने जिन्हां दा रोजा रखिया सीगा ते उहनां ने ना हलवे दा इक वड्डा तरह दिमाग लिया के ना पेश कर दित्ता कि आ तू रोजा रख लो। हुण यहूदी ते ईसाई आपस विच मशवरा करदे ने यार इह तां सारे दिन दा भुखा है, इन्हें रोजा रखिया सीगा, इहनां ने सारे खाए, इहनां सानूं तां रखणा ही कुछ नहीं। ऐसा हीला बनाइए कि जिद नाल ये ना खावे ते आपां आराम करिए, मगर खुदा जो करम फरमांदा है उदों वक्त आपे दिमाग कम करदा है। अकल लगे जी आज साडा मसला ये है कि सुबह एक दूसरे नूं ख्वाब दसांगे, जिहदा ख्वाब चंगा होया ना उही रोजा रखे, उही हलवा खावेगा। अकल का चलो ठीक है, मुसलमान भी मन गया, कहने लगा ठीक रात जिस वक्त हुई सुबह हुई सारी का टाइम जिस वक्त होया मुसलमान उठिया उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के हलवा खा लिया। जिस वक्त बैठे जागे आके जागते ने हाँ भाई अपना अपना ख्वाब दसो, ईसाई आखन लगा मैं ख्वाब देखिया है मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम मैनू आके आखते ने मेरे उम्मीदी चल मैं तेन आसमाना की सैर करावा। मैं आसमाना तो चला गया सैर की तरह तरह दियां नेमतां वेखियां तरह तरह के मनाजर वेखे ने। मुसलमान मूसा अलैहि सलाम ने आख्या यहूदी आखन लगा मेरे भी पैगंबर आए मूसा अलैहि सलाम, वो इन्होंने भी आके आख्या ए मेरे उम्मीदी चल को दूर दे उत्ते रब नाल गल्लां करूं, कोतूर उत्ते मैनू लै गए मैं कोतूर के उत्ते रब नाल गल्लां करदा रहा। मैं पढ़िया आला आला मनाजर वेखे ने हाँ भी तू दस खाब साढ़े खाब रहा तो तेरा खाब सुना नहीं हो सकता। मुसलमान आखन लगा मैनू भी यही खाब है, मेरे महबूब भी आए सन ते मैं सुत्ता पिया सी ते मैनू आख लगे ए मेरे उम्मीदी उत्ते रोजा रखण दा टाइम हो गया ते तू पिया है उठ के रोजा रख ले। मैं हजूर कद ना रोजा रखा फरमाया है हलवा जी पिया है तो उठ के खा ला रोजा रख ला। मैं उठा तो मैं उठ के रोजा रख लिया रोजा खा हलवा खा ले। आख लगा सच्ची खा, वो आख लगे सच्ची खा लिया। आख लगा यार फिर अपने नबी का हुक्म पूरा करना सी अगे सुन सानू आवाज मार ले जब तू कला ही खा गया। आखन लगा मैं तुहानू बड़िया आवाजा मारियां एक दूर ते गया सी एक आसमाना ते गया सी मेरी किते ने सुनी नहीं ते मेरे नबी ने मैनू आख्या सी मैं अपने नबी दे कहे लग के मैं सारा अल्लाह खा लिया तुसीं सैर करदे फिरदे सीगे फिर उदा रख लिया। तो अल्लाह रब्बे कायनात करो फरमाए मह मुबारक दियाँ बरकतां रहमतां जिहड़ियां ने बेशुमार रहमतां ने इस वास्ते खालिक कायनात ने इस माह मुबारक का नाम ही रमदान रखिया ना ही रमजान रखा है माहे रमजान। रमजान रहमत वाला कर्म करने वाला महीना और कई सदी होंगे ना वो सर सर के दिंदे ने ते कई सदी होंगे ने वो घर जा जा के दिंदे ने। बैतुल्ला पाक भी सही है और ये भी सही है, ये घर घर आके रहमता बढ़ता फिरता है। खुदा की कसम सारा साल दिल की वो हालत नहीं होंगी जी माहे रमजान में चली जाती है। सानू इस माह मुबारक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, अपने करीम की दात का यकीन अता फरमाए, अल्लाह के कायनात महबूब की गुलामी में रह के जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने सुमार नवाज खुदा वाला अलहम्दुलिल्लाह खुदा वाला मुहम्मद सैयदुल कौनैन व अस्सलाम अलैहि मुहम्मद।